तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज़। तो 40,000 के अंदर मैं आपको पांच ऐसे लैपटॉप्स बताऊंगा जिनमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिल जाएगी, रैम भी मिल जाएगी और SSD और हार्ड डिस्क भी देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी सिर्फ 40,000 के अंदर। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। तो गाइस, जो मैंने पहले नंबर पर लैपटॉप रखा है लिनोवो का आइडिया पैड S145 रखा हुआ है। तो गाइस, जो मैं आपको यहां पर पोजीशन बता रहा हूं, जैसे मैंने ये फर्स्ट पोजीशन पर रखा है, तो ऐसा भी कोई भी नहीं है कि जो लैपटॉप है वो मैंने पोजीशन वाइज रखे हैं। सभी लैपटॉप्स आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन साथ और काफी अच्छी प्राइस के साथ मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट लैपटॉप है वो मैंने फर्स्ट पोजीशन पर रखा हुआ है, ये तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए रखा हुआ है। तो जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो लिनोवो का आइडिया पैड S1145 है। तो गाइस, इस लैपटॉप में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो 15.6 इंचेस के देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिल जाता है और उसके साथ ही LED बैकलाइट देखने के लिए मिल जाती है और एंटी ग्लेयर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइस, जो एंटी ग्लेयर होता है उसकी मदद से आप सनलाइट में इसकी डिस्प्ले को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, तो सनलाइट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस लैपटॉप के साथ। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको राइजन का 5 देखने के लिए मिल जाता है, जो क्वाड कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पर आपको जो रैम मिलती है वो 8GB की रैम मिल जाती है, जो DDR4 रैम है। उसके साथ ही इसमें आपको जो हार्ड डिस्क है वो 1TB की देखने के लिए मिल जाती है और जो SSD है वो इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलती। ये जो लैपटॉप है इसमें आपको इनबिल्ट विंडो 10 होम देखने के लिए मिल जाती है और इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस है वो भी आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, तो कंपनी का कहना है कि आप 6 या 7 घंटे तक इस लैपटॉप को कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो, बट यहां पर आपको 3 या 4 घंटे तक का ही बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलेगा इस लैपटॉप में। तो यहां पर कंपनी काफी ज्यादा क्लेम तो कर देती है बट एक्चुअल में आपको उतना बैटरी बैकअप नहीं मिलता। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस आपको 38,990 रुपीज से देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लैपटॉप्स के लिंक देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर कोई भी एफिलिएटेड लिंक नहीं है, तो मैंने सीधे वेबसाइट से उठाए थे और सीधे पेस्ट कर दिए थे, तो उसमें कोई भी मेरी अर्निंग नहीं होगी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट लैपटॉप की, तो नेक्स्ट लैपटॉप जो मैंने रखा है वो एसर का एस्पायर 5 है। तो गाइस, इसका जो डिस्प्ले है वो भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिल जाती है। तो गाइस, इस लैपटॉप में आपको 14 इंचेस की एक डिस्प्ले का साइज मिल जाता है, जो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो इंटेल कोर i3 का मिल जाता है, जो 10th जनरेशन का है। जो रैम है वो आपको 4GB की मिल जाती है DDR वाली, और यहाँ पर आपको ऑप्टेन मेमोरी भी मिल जाती है, जिससे आपकी जो हार्डवेयर स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगी। तो गाइस, ये एक कैचे मेमोरी होती है जो आपको 32GB की इसमें देखने के लिए मिल जाती है, 4GB की आपको DDR वाली रैम मिल जाती है और उसके साथ 32GB की ऑप्टेन मेमोरी देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आपकी जो हार्डवेयर स्पीड होगी वो थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें इसकी SSD की, तो यहाँ पर आपको 512GB की एक SSD मिल जाती है, बट यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क का सपोर्ट नहीं मिलता, सिर्फ आपको SSD से काम चलाना पड़ेगा। बट जो SSD है वो काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट देखने के लिए मिल जाती है। और ये भी जो लैपटॉप है वो विंडो 10 होम के साथ आता है और यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप है वो 5 से लेकर 6 घंटे का देखने के लिए मिल जाएगा और इसकी जो प्राइस है वो आपको 37,990 रुपीज़ से देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें थर्ड लैपटॉप की, तो थर्ड लैपटॉप आपको ASUS की वीवो बुक 15 देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आपको 15.6 इंचेस की एक फुल HD वाली डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ पर भी आपको एंटी ग्लेयर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, जैसा मैंने आपको लिनोवो वाले लैपटॉप में बताया था। तो आपको सनलाइट में इसकी डिस्प्ले को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको इंटेल का कोर i3 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो 10th जनरेशन का है। और इसमें आपको जो रैम मिलती है वो 8GB की DDR वाली रैम मिल जाती है और उसके साथ ही जो हार्ड डिस्क है वो 1TB की देखने के लिए मिल जाती है। अगेन, यहाँ पर भी आपको SSD का सपोर्ट नहीं मिलता और इसमें भी आपको विंडो 10 होम देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 3 से लेकर 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा इस लैपटॉप में। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस आपको 38,910 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाती है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, इस लैपटॉप की प्राइस ऊपर या नीचे होती रहती है, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो गाइस, अगर हम बात करें नेक्स्ट लैपटॉप की, तो नेक्स्ट लैपटॉप आपको मी नोटबुक 14 देखने के लिए मिल जाता है Xiaomi की तरफ से। इसमें आपको जो डिस्प्ले का साइज है वो 14 इंचेस का मिल जाता है, फुल HD का रेजोल्यूशन मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। जो प्रोसेसर है वो इंटेल का कोर i3 वाला प्रोसेसर है, जो 10th जनरेशन का है। जो रैम मिलती है इसमें आपको वो LPDDR वाली रैम मिल जाती है और जो SSD है वो 256GB की देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता और ये भी जो लैपटॉप है विंडो 10 होम के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पर आपको जो बैटरी बैकअप मिलेगा वो 7 से लेकर 8 घंटे का देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा इस लैपटॉप में, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 सेल वाली बैटरी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें इसके ग्राफिक कार्ड की, तो इसमें आपको 2GB का ग्राफिक कार्ड देखने के लिए मिल जाता है, जबकि जो बाकी के लैपटॉप है वहाँ पर आपको अलग से डेडिकेटेड
अपडेटेड ग्राफिक कार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको 2GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है जो आपको इंटेल की तरफ से मिलता है, जबकि बाकी में आपको अल्ट्रा HD ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए मिल जाता है जो किसी भी कंपनी ने मेंशन नहीं किया है अपनी स्पेसिफिकेशन शीट में। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफिक परफॉर्मेंस होगी इस लैपटॉप में काफ़ी अच्छी मिल जाएगी Xiaomi के Mi Notebook 14 में। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस आपको 37,999 देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें लास्ट लैपटॉप की, तो लास्ट लैपटॉप मैंने डेल की तरफ से रखा हुआ है, डेल इंस्पिरॉन 3501। तो आपको ये डेल की तरफ से काफ़ी अच्छा लैपटॉप मिल जाता है। इसमें आपको 15.6 इंचेस की डिस्प्ले का साइज़ मिल जाता है जो फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, और यहाँ पर भी आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। जो प्रोसेसर है वो इंटेल का i3 10th जनरेशन वाला है, और जो रैम है वो 8GB की DDR4 वाली रैम है, और जो हार्ड डिस्क है वो 1TB की है। यहाँ पर आपको DDR4 वाली रैम मिल जाती है, जबकि बाकी के लैपटॉप में आपको DDR वाली रैम मिल जाती है। तो जो रैम है वो आपको काफ़ी अच्छी इस लैपटॉप में मिल जाती है, और इसमें आपको विंडो 10 होम का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। और इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो आपको 5-6 आवर का देखने के लिए मिल जाएगा डेल की तरफ से। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी भी प्राइस ऊपर या नीचे होती रहती है। वैसे करंटली इसकी प्राइस अभी 38,790 देखने के लिए मिल जाती है, और इसे आप Amazon से परचेज कर सकते हो। तो बस बाकी जितने भी लैपटॉप्स हैं उनके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ बेस्ट लैपटॉप जो आपको 40,000 में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको कौन सा लैपटॉप इनमें से पसंद आया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप आने वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।